नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2021 में एक वैकेंसी आई थी SSP हेड कांस्टेबल की, अभी तक उसके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि उसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पर, फिर बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, उसके बाद हम बात करेंगे इन हैंड सैलरी की, कितनी सैलरी मिलती है, फिर बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न पर, और उसके बाद बात करेंगे जॉब प्रोफाइल पर और जॉब लोकेशन पर, और आपके एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं इसके ऊपर भी आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये वैकेंसी बहुत ही शानदार वैकेंसी है, SSB हेड कॉन्स्टेबल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलता हूं मैं सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं नोटिफिकेशन की तरफ और बात करते हैं विस्तार से। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आप सबसे पहले देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, तो ये इसकी वैकेंसी है। और फिर हम बात करते हैं टोटल कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, जनरल वालों के लिए 47 है, AWS वालों के लिए 11 है, OBC वालों के लिए 26 है, और SC वालों के लिए 21 है, और ST वालों के लिए 10 है, और टोटल वैकेंसी है वो 115 है। 115 पदों पर आपकी SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती होने वाली है। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, उनके लिए रिजर्व रखी गई है वैकेंसी 10%। फिर आगे बात करते हैं, आपके जो ये फॉर्म थे ये ऑनलाइन भरे गए थे, भरे जा चुके हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। पे स्केल है लेवल 4, 25,500 से 81,100 तक आपको बेसिक पे मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन, 18 से 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, आपने 10+2 किया होना चाहिए, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा इसमें, इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट, और फिर हिंदी में है 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में। एज रिलैक्सेशन, इसके अंदर SC ST को 5 ईयर्स की छूट है, OBC को 3 ईयर्स की छूट है, और फिर अलग अलग जगहों के हिसाब से इसमें और भी छूट दी गई है। उसके बाद बात करते हैं आगे, इसमें जो आपसे फीस ली गई थी वो थी जनरल AWS OBC कैटेगरी, इनके लिए जो फीस ली गई थी वो थी 100 रुपये, बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री था, आपने फॉर्म भर भी दिए, मैं आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका होगा फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट PET, ये होगा। इसके अंदर आपकी रनिंग है 1600 मीटर की, जो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग है जो 4 मिनट में कंप्लीट करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। अब बात करते हैं, इसमें आपकी हाइट, आपके चेस्ट नापे जाएंगे, फिर है हाइट मेल के लिए होनी चाहिए 165, फीमेल के लिए होनी चाहिए 155, मेल के लिए जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 77, और मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए 5 का, यानी कि 5 आपका फुलाव आना चाहिए। उसके बाद फिर ये छूट दी गई है, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जो इस जगहों से आते हैं, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको छूट भी दी गई है। लेकिन OBC जनरल SC इनकी हाइट 165 रहेगी, फिक्स है ये, ST को छूट दी गई है। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जो 100 नंबरों का होगा, और 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, जनरल इंग्लिश, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है 50% फॉर जनरल AWS OBC एंड एक्स सर्विसमैन, इनको नंबर चाहिए 50% नंबर,
स्किल टेस्ट के लिए एग्जाम में, उसके बाद है 45% फॉर एससी एंड एसटी, एससी और एसटी को 45% मार्क्स लाना जरूरी है स्किल टेस्ट में बैठने के लिए। स्किल टाइपिंग टेस्ट बेस्ट ऑन द मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ए कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप टू 50 टाइम्स कैटेगरी वाइज ऑफ वैकेंसीज शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर स्किल टाइपिंग टेस्ट सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। मतलब कि जो कैटेगरी वाइज आपको जो जितने नंबर दिए गए थे उतने लाना जरूरी है स्किल टेस्ट में बैठने के लिए। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसी दिन आपका होगा मेडिकल, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। मैथ में आएंगे 25% 25 नंबर के, रीजनिंग में आएंगे 25% 25 नंबर के, जीएस में आएंगे 25% 25 नंबर के, और फिर इंग्लिश और हिंदी ये दोनों ऑब्जेक्शनल सब्जेक्ट हैं, आप किसी आपने जो चुना होगा उसके 25% आएंगे 25 नंबर के। तो आपने पूरा नोटिफिकेशन देखा और आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है ये आपको जमीनी स्तर पर नहीं करनी, आपको ऑफिस में बैठकर सारा काम करना है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार वैकेंसी है, आप अच्छी तरह से मेहनत करते रहें। और उसके बाद अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो दोस्तों एसएसबी में इससे पहले भी कई तरह की भर्तियां चल रही थी, वो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी है, अब यही एकमात्र वैकेंसी बची है जो होना अभी बाकी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, हो सकता है कि मार्च के एंड तक कोई नोटिफिकेशन आ जाए कब तक इसके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं, कब तक ये वैकेंसी हो सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। एसएसबी की सबसे पहले जानकारी लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं। धन्यवाद।